दुनिया के लोगों को शिव पुराण का विरोध नहीं करना है, दुनिया के लोगों को केवल सीहोर वाले महाराज का विरोध करना है। शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शिव जी पे जड़ा जल मत पियो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वेद और पुराण शास्त्र का मंत्र ही नहीं है। हम कहते हैं जिनको लगता है कि श्री शिवाय, जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिनको लगता है कि ये हमारी शिव पुराण में मंत्र नहीं लिखा, उनसे कहूंगा एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ो, पढ़ो, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा कि इस मंत्र का मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने वाले के मुख का भी दर्शन कर लो तो ना जाने हमारे कितने पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्विक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो। देखिए शिव महापुराण में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कौन से पृष्ठ पर लिखा है, तो हमारी उंगली चल रही है उस उंगली को जहां चलाया जा रहा है वहां पर आप लोग स्मरण करेंगे विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77, आप भी याद रखना गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77। और पृष्ठ संख्या 77 में आप नीचे की ओर देखेंगे तो लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकाली जाती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है, वो साधारण मुख नहीं रहता। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा आप भी दिखाइएगा जनमानस को कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से लिया गया, और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गीता प्रेस गोरखपुर की केवल शिव पुराण में नहीं, कल्याण के शिव अंक में भी उसका भी स्मरण करें। विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ संख्या 77 में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का, आप जरा देखिए इसमें क्या लिखा गया, जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है, उसे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले मुख का दर्शन करता है। इतनी विचित्र है शिव पुराण। विरोधियों को केवल विरोध करना है, निंदकों को केवल निंदा करना है, और वह निंदा पुराण की नहीं है, वो सीहोर वाले महाराज की निंदा करना है कि ये कहां से लेकर आ जाते हैं, क्यों बोल देते हैं लोग, इसका अमल क्यों करते हैं।